नया लेकर आने वाला है, सबसे पहले तो उस बारे में कुछ बताएं, और जो प्रोड्यूसर्स के इशू है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आजाद इम्पा ग्रुप क्या कुछ नया लेकर आने वाला है? आजाद इम्पा ग्रुप का मतलब ये है कि कहीं 10 सालों से जंजीरों में जकड़ के रखा था इम्पा ने प्रोड्यूसर लोगों को कि एक ही सिस्टम से, तो आजाद इम्पा ग्रुप का मतलब है कि भाई इनको इन जंजीरों से छुड़वाओ, कि प्रोड्यूसर की तकलीफ क्या है। आज जो भी प्रोड्यूसर की तकलीफ है कि निर्माता को ये दिक्कत होती है, वो एक निर्माता ही जान सकता है जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा मूवी बनाई हो, तो उनको हर चीज़ का पता रहता है कि टेक्नीशियन की प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, हर चीज़ का वो ध्यान रखता है। यहाँ पे तो खाली बातें होती है, प्रैक्टिकल काम कुछ नहीं होता है। जो हम लोग अभी ये आजाद इम्पा का मतलब ये है कि हम इसमें हर चीज़ जो प्रोड्यूसर को रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी, जो हर प्रोड्यूसर का हक बनता है वो दिलवाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है आजाद इम्पा ग्रुप जी। सर इसके अलावा मैं आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि साल में बहुत सारी फिल्में बनती है लेकिन बहुत सारी फिल्में रिलीज भी नहीं हो पाती, तो उनके लिए आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को भी पैसा देना पड़ता है, फिल्म बन तो जाती है लेकिन उसको रिलीज करना एक सबसे बड़ा टास्क हो जाता है प्रोड्यूसर के लिए, तो उसके लिए आप लोग क्या प्लान कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी फिल्में रिलीज नहीं हो पाती है बॉक्स ऑफिस पर। अनिल जी उनके लिए आप बोलोगे? हम लोग चाहते हैं अभी कि जो छोटे प्रोड्यूसर हैं जो फिल्म बना लेते हैं, बनाने के बाद उनको बहुत प्रॉब्लम होती है जी। UFO से हमने जब पिछली बार भी इलेक्शन हुआ था, बड़े बड़े वादे हुए थे कि UFO से दूसरे सैटेलाइट से सबसे मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके ये बोलेंगे कि उसको कम किया जाए, उनकी प्राइस को कम किया जाए ताकि छोटा प्रोड्यूसर जल्दी सर्वाइव कर सके, लेकिन ना तो उनके लिए कोई वो एक्शन कर पाए ना कुछ कर पाए। हम सबसे पहले वही एक्शन लेने वाले हैं ताकि छोटा प्रोड्यूसर भी उसमें सर्वाइव कर सके, जो फिल्म रिलीज करने में बहुत ही असंभव हो जाता है उनके लिए फिल्म को सिर्फ डिजिटल पे चढ़ा के और रिलीज करना, उसके लिए हम मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि वो अच्छे से अच्छा कर सकें। हम जैसे साउथ वालों ने भी बहुत स्ट्रगल करके और बहुत मेहनत से अपने आप को इम्प्रूव करके उन्होंने बहुत डाउन कर दिया उनका UFO का और सबका, वो उनकी एकता थी। हम लोग चाहते हैं और हम बोलते हैं लेकिन वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो हम चाहते हैं हमारा आजाद इम्पा ग्रुप आगे बढ़ के सबसे पहले वो ग्रुप में सबसे पहले वो काम कर सके ताकि छोटे प्रोड्यूसर्स को भी फायदा हो। फिल्म रिलीज होने की, इसके अलावा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है सर्टिफिकेशन बोर्ड, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले पहलाज नैलानी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की, उसके बाद अभी परसून जोशी है तो वो भी कुछ खास काम नहीं कर पा रहे, तो उसको लेकर आजाद इम्पा क्या करने वाली है? सर मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ, छोटा प्रोड्यूसर हूँ लेकिन खुद भुगत भोगी हूँ। मेरी फिल्म सेंसर में अप्रूवल होने के बाद, सर्टिफिकेट यू अप्रूवल हो गया, उसके बाद उसको वापस से रिवाइजिंग कमेटी में डाल दिया, जिसके लिए मैंने 3 महीने फाइट की सेंसर से। सेंसर बोलता है कि इम्पा है क्या चीज़, इम्पा की औकात ही क्या है, मेरे सामने क्लियरली बोलते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इम्पा एक प्रोड्यूसर एसोसिएशन है जिसमें फिल्म बनती है, वो सेंसर आती है तब आप वहाँ बैठे हैं। अगर हम पिक्चर ही नहीं बनाएंगे तो सेंसर की कोई वैल्यू नहीं है, सेंसर नील है वहाँ पे, तो सेंसर हमें कुछ नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि इम्पा कोई कदम ही नहीं उठाता उस चीज़ के लिए। हम चाहते हैं कि इम्पा कदम उठाए और सेंसर को ये समझ में आए कि इम्पा जो प्रोड्यूसर को टाइटल देता है या कोई चीज़ अप्लाई करता है सेंसर के लिए, तो वो वहाँ से अप्रूवल होके आती है, उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम है वो फेस करके सामने बताए ना, वो तो सीधा रिजेक्शन मार देते हैं, कई चीज़ों की रिजेक्शन मार देते हैं, किसी को रिवाइजिंग कमेटी में डाल देते हैं, 3-3 महीने तक आदमी लटकता रहता है, सुनवाई नहीं है, वहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। हम चाहते हैं उसके लिए, हमने ये प्लान भी किया है, नेक्स्ट कदम ये भी हो हमारा कि हम रिवाइजिंग कमेटी में जाने से पहले उसका रीज़न जान सके, वो नो रीज़न डाल के और रिवाइजिंग कमेटी में डाल देते हैं सीधा फिल्म को। सर इसके पहले बहुत सारे मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डिजिटल इंडिया आज डिजिटल इंडिया में क्या चीज़ यूट्यूब या किसी भी चैनल में क्या अवेलेबल नहीं है, कौन सी न्यूडिटी, किस तरह का नंगापन अवेलेबल नहीं है जो आप सेंसर बोर्ड फिल्मों पे लगा के बैठे हैं। जब हमारी फिल्में अब्रॉड जाती हैं तो हमें तो सेंसर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेंसर चाहिए, क्यों चाहिए? आप बंद कीजिए ना वेब सीरीज़, आप बंद कीजिए ना यूट्यूब, आप बंद कीजिए ना वो सब इंटरनेशनल चैनल जिन पे फिल्में चल रही हैं। आप क्या हमारी फिल्मों के ऊपर अमेजॉन शुरू हो गया, नेटफ्लिक्स, कौन सा सेंसर,
किस चीज़, 50 साल पीछे आज तक आप चल रहे हैं, आप आज नए प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ डिजिटल डिजिटल बातों में है, किताबों में है, जबान में है, जुमलों में है, किधर है डिजिटल इंडिया? क्यों नहीं हटाते इसे सेंसर बोर्ड को? कुछ चंद लोगों का पेट भरने के लिए उनका खाना खाने का रास्ता और करप्शन का दुकान खोल रखी है आपने सेंसर बोर्ड के साथ। कितने प्रोड्यूसर रोज झेलते हैं, रोज आप जाइए सेंसर के ऑफिस में, देखिए आप प्रोड्यूसरों की हालत किस तरह करते हैं, लाइन में बिठा के रखते हैं। ये टीपी अग्रवाल को मैं पिछले 3 साल से पीट के मर गया, सर एक रैली निकालो, एक रैली निकाल के सेंसर का घेराव करते हैं, 500-700 प्रोड्यूसर इकट्ठे करो ताकि हमारी सुनवाई कहीं तो होगी, किसी तो मिनिस्ट्री में कहीं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे कहीं भी कोई सुनवाई होगी, लेकिन सब कुछ नहीं है, खाली बातें हैं, बातें और जुमले हैं, खाली 3 साल के लिए वोट चाहिए, उसके बाद नमस्ते। कोई प्रोड्यूसर कहाँ है, जीता है मरता है, किसी के लिए कोई नहीं है। इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स बहुत सारा टैक्स भी पे करते हैं टिकट की, अगर हम बात करें उस चीज़ को लेकर, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट भी जो है फिल्म जो है गवर्नमेंट के अंडर आता है और गवर्नमेंट को भी उस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए प्रोड्यूसर्स और फिल्म फटर्निटी? अच्छा सवाल किया आपने। आज से कुछ साल पहले तक, 20 साल कुछ साल पहले तक, फिल्म इंडस्ट्री हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा माध्यम था टैक्स का, टैक्स बटोरने का। फिर आई कॉटन इंडस्ट्री, उसके बाद अदर इंडस्ट्रीज, लेकिन आज तक इन्होंने फिल्मों के लिए कुछ नहीं किया। टैक्स लगाने के लिए जीएसटी लगा दिया, लेकिन दुनिया जहान के जो साथ में और टैक्स लगा दिए, जीएसटी एक टैक्स लगने वाला था तो एंटरटेनमेंट टैक्स क्यों, किस लिए? थिएटर में दुनिया जहान के टैक्स है, वो किसके लिए हैं? गवर्नमेंट खा रही है ना, लूट के खा रहे, खून चूस रहे हैं। कमाता कौन है हमारी फिल्म लाइन में? सिर्फ एक्टर, जिसके ऊपर सिवाय इनकम टैक्स के कोई टैक्स नहीं है। प्रोड्यूसर के ऊपर तो 1000 टैक्स है। आप सुई खरीदने चाहिए तो जीएसटी से शुरू हो जाते हैं, दुनिया जान के आपके इक्विपमेंट्स है, सबके ऊपर कस्टम ड्यूटी है। कौन सा टैक्स इस देश का ऐसा है जो एक प्रोड्यूसर की फिल्म के ऊपर नहीं लगता? वो चाहे सेल टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, वैट हो, जीएसटी हो, कस्टम, किसी भी टैक्स की आप बात कीजिए, वो फिल्मों के ऊपर लागू है। तो क्यों नहीं जीने देते हमें? हमने क्या गुनाह किया है? आपसे लूट के खा रहे हैं क्या हम? हम अपनी मेहनत का खाते हैं, वी आर क्रिएटिव पीपल, हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम आपको टूरिज्म देते हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की फिल्मों का नाम है, दुनिया के दूसरे देश हमें वहाँ बुलाते हैं कि आप आइए हमारी स्टेट में शूटिंग कीजिए, यहाँ की गवर्नमेंट छोड़ती है हमें, आप जाइए दिल्ली में शूटिंग करने, 40 परमिशन लेनी पड़ती है, पुलिस वाले सिर के ऊपर खड़े रहते हैं पैसा खाने के लिए। आप जाइए वर्सोवा अपना मड में, आप देखिए तमाशा किस तरह प्रोड्यूसर को लूटा जाता है वहाँ। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है और कोई कुछ करने वाला भी नहीं है। बातें करते हैं सब। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, 10 साल से टीपी अग्रवाल प्रेसिडेंट हैं, खुद क्या है वो स्कूल चलाते हैं, उनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। उनकी कमेटी में जे नीलम है, जिनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। मनोज चतुर्वेदी प्रोडक्शन कंट्रोलर है, उनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। बाबू भाई तिब्बा एक्टरों के सेक्रेटरी हैं, उनका फिल्मों से कुछ लेना देना नहीं है। आप मेरे से जिसका मर्जी नाम पूछिए उस कमेटी का। आज़ाद इम्पा ग्रुप के अंदर अगर कैंडिडेट हैं तो वो सब प्रोड्यूसर हैं, जेन्युइन फिल्में बनाने वाले लोग हैं, जिन्हें दर्द मालूम है कि फिल्म के साथ दर्द क्या होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, क्योंकि आपकी तकलीफ हमारी भी तकलीफ है। सर आपसे जानना चाहूँगा मैं, आप भोजपुरी फिल्मों से बिलोंग करते हैं, तो भोजपुरी सिनेमा जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाता क्योंकि थिएटर्स की ये होती है, हिंदी फिल्में, भोजपुरी फिल्में, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज की फिल्में अच्छा भी कर रही है और उनको मतलब सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है एट द सेम टाइम, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे सर? रीजनल का हर जगह नहीं जाना, सिंगल, एक तो सिंगल थिएटर पर टैक्स के चलते, फिल्मों के चलते बहुत परेशानी हो रही है, यूट्यूब के चलते, और जब से ये जियो फ्री हुआ तब से सिंगल थिएटर को बहुत प्रभावित हुआ है। सारे लोग मोबाइल में देख रहे हैं, थिएटर में जाना लोग छोड़ दिए हैं, थिएटर का इतना टैक्स है वो प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा डिजिटल का हम लोग बहुत दिनों से इम्पा में लड़ाई लड़ रहे हैं, डिजिटल में जो हिंदी का रेट है उसे थोड़ा 19 करके 12,000 रुपया पर 2800 का आता है, जो नहीं होना चाहिए। पहले होता था 4th वीक के बाद 1100 रुपये में आ जाती थी, जिसमें छोटी पिक्चरों का काम चलता था। अब 532 चलने के बाद 1100 में आती है, जो असंभव है, बिहार और पूरा बम्बई चल जाए तो भी 532 यूएफओ का नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कारण है भोजपुरी की छोटी फिल्मों का या हिंदी की छोटी फिल्मों का, जो रिलीज नहीं हो पाती है, जो आप पूछ रहे थे, ये सबसे बड़ा कारण है। जी,
इन दिनों करीब एक डेढ़ एक साल के अंदर यूफो की मनमानी इतनी बढ़ी है, क्योंकि डिजिटल में पूरा प्रभावित कर दिया, आपने कब्जे में ले लिया है। डिजिटल में भी जो छोटी छोटी कंपनियां थी, EMW था, एक रियल इमेज क्यूब था, इसको GTV ने, सॉरी ये यूफो ने अपने अंडर में ले लिया है। तो ये प्रोड्यूसरों के लिए बहुत परेशानी हो रही है, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन हम लोग चिल्लाते रह गए, कोई यूफो से लड़ता नहीं है। और भोजपुरी का बहुत पहले ये वादा किया गया था अगले इलेक्शन में कि हर रीजनल फिल्म जो बनती है उसका ऑफिस एक पटना किया जाएगा, जो वहाँ के प्रोड्यूसरों को यहाँ आने में बार बार आना जाना सेंसर बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ आज तक ऑफिस नहीं खोला गया, जबकि ये TP अग्रवाल ग्रुप ने वहाँ खोलने के लिए पूरा कमिटमेंट किया था कि जब हम जीतेंगे तो वहाँ पटना में एक रीजनल का खोलेंगे, एक लखनऊ में ऑफिस खोलेंगे, जिससे वहाँ के लोगों को टाइटल डालने, अपना सारी कोई परेशानी हो सेंसर के लिए तो उसकी सुविधा हो। हम लोग बहुत दिनों से सेंसर बोर्ड का भी मांग कर रहे हैं कि हमारा रीजनल भोजपुरी रीजनल में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसका न पटना में सेंसर बोर्ड है न लखनऊ में सेंसर बोर्ड है, हमें यहाँ बॉम्बे आश्रित होना पड़ता है। और यहाँ सेंसर बोर्ड में मतलब क्या पर बद से बदतर स्थिति है, प्रोड्यूसरों की लाइन में बैठा के चार चार घंटा रखा जाता है, किसी की एंट्री नहीं होती है सेंसर बोर्ड में। और इम्पा के लोग सोए हुए हैं, जो भी हैं सर आज 10 वर्ष से सोए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी इस बार आज़ाद ग्रुप को समर्थन कीजिए, हम लोग इससे इस बंधन से इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सर इसी से जुड़ा सवाल है आपसे, गुजराती सिनेमा इन दिनों काफी अच्छा कर रहा है, शूट है यू और बहुत सारी फिल्में, छेल्लो दिवस बहुत अच्छा कर रही है फिल्में, लेकिन उनको थिएटर्स नहीं मिल पाते, खास करके अगर हम मुंबई की बात करें तो उसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? ये गुजराती के लिए जो थिएटर नहीं मिलते वो तो पहले का प्रॉब्लम था, हमने ये प्रॉब्लम पहले भी उठाया था सरकार में कि भाई एक कंपलसरी कि आप ये रूल बनाओ कि आप जब टैक्स लेते हो, क्या सर्विस चार्ज लेते हो, जब सर्विस टैक्स लेते हो तो आप कंपलसरी रूल बनाओ कि भाई एक वीक में इतने 100 कंपलसरी रीजनल पिक्चर चलाने की। मगर ये रूल है, मगर आज तक किसी ने इस रूल का इस्तेमाल नहीं किया। एक कंपलसरी मल्टीप्लेक्स में आज भी रूल है कि GR है गुजरात गवर्नमेंट का कि एवरी ईयर इतने 100 मिनिमम चलने चाहिए, नहीं तो वो मल्टीप्लेक्स का लाइसेंस जब्त हो सकता है, पर किसी ने आज तक यूज़ नहीं किया। और इम्पा में ये चीज़ हम कितनी बार बोल चुके, मगर वहाँ पे सब सोते ही, जैसे विजय जी ने बोला कि इम्पा में सब सोने का ही काम कर रहे, इसलिए हमको उस सोए हुए को अभी उठाना नहीं है, वो सोते ही रहे और हम जाग जाए, इसलिए हमने आजाद इम्पा ग्रुप बनाया है। सर एक सवाल है कि इलेक्शन तो हुए होंगे 10 साल में, हाँ इलेक्शन के वक्त आप लोगों ने कुछ किया, किसी और को वोट नहीं दिया क्या? TP अग्रवाल ही थे वहाँ पे सर? हाँ। ऐसा है, TP अग्रवाल क्यों जीत रहे हैं 10 साल से, ये बड़े बड़े वादे, हर इलेक्शन में आपको तारे गिनवाता है आदमी खड़ा होके, प्रोड्यूसरों को, छोटे प्रोड्यूसरों को कि तारे गिनो, ऊपर गिने हुए, मेरे पास फिगर दे सकता हूँ। पिछली बार बोला UFO, 9 साल से मैं सुन रहा था प्रोड्यूसरों की इंश्योरेंस होगी, शर्माती है बोलते हुए, करवाई तो मैंने, झगड़ा करके करवाई, 40 रुपये दिए प्रीमियम एक प्रोड्यूसर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, पीट के मर गया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एटलीस्ट मेडिक्लेम करा दो। आज वो पेपरों में ऐड डाल रहा है मैंने इंश्योरेंस करवाई, अरे इंश्योरेंस का मीनिंग तो बता दे, कौन सी इंश्योरेंस करवाई? 1,00,000 रुपया एक्सीडेंटल, आज तक एक आदमी नहीं आया क्लेम करने, क्या मतलब है? इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं, हमने ये बोला कि आप 3-4 महीने में एक बार प्रोड्यूसरों को बुलाइए, उन्हें अवगत कराओ टेक्निकल चीज़ों से, आज जो इंडस्ट्री जिस मुकाम पर डिजिटल रूप में बढ़ती जा रही है या कई चीज़ें जो हमें अवेलेबल, आज प्रोड्यूसरों को ये नहीं मालूम कि उनको फ्री मेडिसिन अवेलेबल है, उनको ये नहीं पता कि उनको मेडिक्लेम किया हुआ है या जो भी इंश्योरेंस की हुई है, घटिया इंश्योरेंस बोलता हूँ मैं जो इन्होंने करवाई है, उनको ये नहीं पता प्रोड्यूसरों को कि इम्पा में एक थिएटर है जो चलता नहीं है, आज तक उसमें प्रोजेक्शन लगाने के लिए रोते हैं कि पैसे नहीं है, आपने थिएटर बना दिया, किसके लिए बनाया? मेंबर्स के लिए ना, आपको 2K प्रोजेक्शन लगाने में क्या तकलीफ है? 20,00,000 रुपये आप घर से दे रहे हो या किसी की जेब से देने वाले? इम्पा का फंड है, 1,00,00,000 रुपया पड़ा हुआ है,
करोड़ों रुपया है सर इंपा के पास, वो किसके लिए? प्रोड्यूसरों के लिए, गरीब प्रोड्यूसरों की सहायता करने के लिए। जब कोई किसी प्रोड्यूसर के घर में बच्चा बीमार होता है, वो एड मांगने आता है, तो इनकी नानी मर जाती है, 20,000 रुपये देते हैं। कौन से बच्चे का कोकिला बहन हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है 20,000 रुपये में? अभी बीच में एक किसी प्रोड्यूसर का बच्चा था, उसने 2,00,000 रुपये ऐड मांगी थी, उसे बोलते हैं नहीं जी इतने पैसे तो हम नहीं देते। अरे सर पे लेके जाओगे, छाती पे रखोगे, तुम्हारा पैसा है, हक क्या है तुम्हें मना करने का? इतने प्रोड्यूसर हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है किसी तरह की भी, जबकि सब पैसा इंपा के पास है। आप दीजिए, क्यों नहीं आप मदद करते लोगों की? प्रोड्यूसर आवाज़ उठाने वाले नहीं है, लोगों को लगता है छोड़ो यार अभी इसके पीछे कौन पड़ेगा। वो हर बार बड़ी बड़ी बातें करके आपको सपने दिखाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं। 3 साल तक प्रोड्यूसर को इंपा में चाय पूछ कोई नहीं है, ये मैंने आंखों से देखा है सर। मेरे को शर्म आती है जब रिसेप्शन पे जाता हूँ, सबसे पूछ के सबको बोलता हूँ कि चाय कौन पिएगा। मेरी बिरादरी के लोग हैं, मेरे प्रोड्यूसर भाई हैं, वो उनका हक है, वो फीस देते हैं, उनका इंपा है, अगर मेरा है तो उनका भी उतना ही है। लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं। तो आपने वोट ले लिया, उसके बाद 3 साल बाद कौन, 3 साल के बाद उसका एक ही डायलॉग आता है, ये तो पागल है, शराब पिलाओ वोट दे देते हैं। वही वो करता आया है 3 साल से, 9 साल से, 10 साल से मैं तमाशा देख रहा हूँ। आज भी उनकी पार्टी है, आप लोग जाइए, वहाँ शराब भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, दी क्लब में मोस्ट वेलकम। बल्कि मैं चाहता हूँ कि पूरी बम्बई के लोग वहाँ चले जाएं, साल भर यही चलने वाला है। देर है, दुरुस्त है, 10 साल हो गया, लेकिन 3-3 साल में जैसे आपने कहा सर, ये 3 साल का सिस्टम नहीं था पहले, टीपी अग्रवाल के पहले ये हर साल इलेक्शन, हर साल इलेक्शन होता था। 70 साल से इंपा को देख रहा हूँ मैं, हर साल इलेक्शन होता था। इन्होंने अपनी मनमर्जी से 2 साल किया, 2 साल से 3 साल कर दिया। ये तो 5 साल कर जाता, लेकिन कंपनी एक्ट से अलाउ नहीं कर रहा, वरना ये 5 साल भी कर देगा। हो सकता है परमानेंट कर देगा, इंपा मैं जीत गया हूँ, इंपा मेरा। अब वो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग मुझे इस इंपा की कुर्सी में पदवी दे दो, कि मेरे से बड़ा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं हुआ। नरगिस दत्त जी इनसे छोटी थी, सुल्तान भाई इनसे छोटे थे, या महबूब खान इससे छोटे थे, या के आसिफ इससे छोटे थे, ये है किस खेत की मूली? उन लोगों के सामने इसकी औकात क्या है मुझे ये बताइए। कौन सा मेकर है ये, क्या है इसका बैकग्राउंड फिल्म लाइन, किन लोगों के साथ अपने आप को कंपैरिजन करता है और बोलता है मैंने रिकॉर्ड बना रहा हूं कि सबसे ज्यादा साल में प्रेसिडेंट रहा। सबसे ज्यादा साल रह के किया क्या तूने किसी के लिए? कोई एक प्रोड्यूसर तो सामने ला जिसका तूने भला किया है, आज तक तो नहीं सुना हमने। जो आता है बेचारा रोता हुआ आता है, एप्लीकेशन देने के लिए भी तकलीफ है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है टीपी अग्रवाल इज अवेलेबल टू एवरी प्रोड्यूसर विद द प्रायर अपॉइंटमेंट। आप पहले कुर्सी पे लिखे हुए इसको दीजिए, मोदी जी हैं ये, आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी तब अपॉइंटमेंट मिलेगी, वरना आप घूमते रहिए, ऐसा है ये। लेकिन इलेक्शन है तो अभी अवेलेबल है, आज 3 से 5 अवेलेबल है विदाउट अपॉइंटमेंट, सब जगह पे आ गया। इलेक्शन है तो मिलेंगे आपसे, आप 10 बार वो मुद्दा उठा चुके हैं हम, डिजिटल कई जगह न्यूज डाली है, तो आज वो डिजिटल चेंज हो गया कि हम 3 से 5 सबको अवेलेबल है। शर्म आती है, क्यों ऐसा सब करे? छोड़ दे यार इंपा, क्या मिलने वाला? अब तो फिल्म लाइन का काम ही बंद कर दिया, ऑफिस भी किराए पे चढ़ा दिया, क्यों यहाँ बैठे हो यार? जाओ दिल्ली, स्कूल चलते हैं आपके बहुत अच्छे, क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों पैसे खराब कर रहे हो? नहीं समझ आती हमारी समझ सर। इसके साथ बहुत सारे स्टेप हैं, हमें बहुत सारे काम करने हैं। हम गुजरात गए थे, वहाँ भी यही बात हुई, वहाँ बहुत से लोगों ने कई क्वेश्चन उठाए कि कई प्रोड्यूसर्स जिनकी डेथ हो जाती है, उनके पीछे फैमिली है, उनके लिए क्या? प्रोड्यूसरों को नहीं पता कि इंपा में आपको सालाना या महीने का अलाउंस मिलता है। अगर कोई विडो है जिसकी कोई इनकम नहीं है, उसके बच्चे छोटे हैं, या उनकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उस हिसाब से मंथली दिया जाता है, लेकिन किसी को बोलने के लिए कोई नहीं है, समझाने के लिए कोई नहीं है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में हैं। IPRS प्रोड्यूसरों को नहीं मालूम कि IPRS है क्या, जबकि IPRS एक ऐसी दुकान है जहाँ से सब प्रोड्यूसर्स का हक है रॉयल्टी लेने का, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। एग्रीमेंट साइन करते हैं, उनको भाषा नहीं मालूम है कि लैंग्वेज क्या लिखी है, आपसे क्या लिखवाया जा रहा है, कोई समझाने के लिए तैयार नहीं है। खाली कुर्सी मिल गई, इसके बाद परे करो, साइड में हो जाओ, कोई आए तो उसको पूछो भी मत कि पानी क्या चाहिए। चाहे लोगों के डिस्प्यूट होते हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने वो डिस्प्यूट लटकाते रहते हैं, मीटिंग पे क्या तरीका है ये? ऐसा होता है क्या? लोगों की प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, किसी की एक्टर की प्रॉब्लम है, किसी के किसी टेक्नीशियन के साथ प्रॉब्लम, कोई सुनवाई नहीं। फेडरेशन के साथ मैंने धक्के खाए सर, CCI में ऑर्डर लेने के लिए, नाम इनका है कि हमने CCI से ऑर्डर ला दिया
और वहीं फेडरेशन की गोद में अब ये फिर बैठ रहे हैं इलेक्शन के लिए कि इलेक्शन फेडरेशन के लोग भाईगिरी करके करवाएंगे। अरे हमने 2 साल लाखों रुपया खर्च किया, हमने झगड़ा किया, केस लड़ा, केस जीत के हम आए, आज हमारे प्रोड्यूसरों के ऊपर किसी तरह की कोई बाइंडिंग नहीं है, वो किसी के साथ जितने भी पैसों में चाहे काम कर सकते हैं। पहले फेडरेशन का डंडा चलता था कि एक शिफ्ट का 8 घंटे का इतना, 12 घंटे का इतना, जूनियर आर्टिस्ट का इतना, महिला कलाकार का इतना, लाइटमैन का इतना, आज वो बंद हो गया। आप फिर उनकी गोद में बैठ रहे हो जाके, फिर आप उनसे इलेक्शन करवाना चाहते हो, क्या मतलब, क्या चाहता क्या है तो, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहता है प्रोड्यूसरों को कि मैं फ्रॉड हूं, मेरी मर्जी है जो मैं करूंगा, इंपा मेरे बाप का, ये तरीका है क्या काम करने का? ओके, लास्टली सर, आजाद इंपा क्या चेंजेस लाएगा, मतलब अगर पावर में आता है तो? कितने मेंबर अब तक आपके साथ में हैं, उनके साथ में आप कितने मेंबर हैं? सर ये तो मेंबर बताएंगे, इलेक्शन होगा। वो क्वेश्चन जो आपने बोला था कि आपके ग्रुप में ज्यादा मतलब अच्छे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने ज्यादा योगदान दिया अपनी इंडस्ट्री को, वो तो सीधी पार्टी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, परेशानी को समझ पाएगी। हमारी पैनल में जितने भी लोग हैं तो सब लोग मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है जिन्होंने काफी फिल्में बनाई है, जैसे राजू भट्ट है, तो इन्होंने केजी भट्ट के समय से इनके चाचा लगते थे केजी भट्ट, जो जिन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी हिंदी पिक्चरें बनाई, ये इन्होंने खुद अपनी इतनी 12-14 फिल्में बनाई, जैसे मैं तो मेरे पापा ने 27 गुजराती फिल्म बनाई, आउट ऑफ 27 17 फिल्म सिल्वर जुबेली और आउट ऑफ 17 12 फिल्म गोल्डन जुबेली, एशिया की ग्रीनिस बुक में मेरे पापा का नाम है, और मैंने इंडिविजुअल खुद एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर 12-14 फिल्म बनाई, विजय जी इन्होंने, छाबरा जी इन्होंने, अतुल, तो हमारी पैनल में जितने भी प्रोड्यूसर है सबने मैक्सिमम फिल्में बनाई है, उसकी पैनल में आप देखोगे तो आधे से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने कभी फिल्म ही नहीं बनाई, तो उनको पता क्या है कि प्रोड्यूसर की दिक्कत क्या है? सर फ्रॉड लोग हैं वहां, दुर्गा प्रसाद मजुमदार, मैं नाम लेने की हिम्मत रखता हूँ, फाइनेंसर है वो, प्रोड्यूसरों को लूटता है, खून चूसता है 10% ब्याज लेके, है कोई माइका लाल और एसोसिएशन में लड़ रहा है, रत्नाकर म्यूजिक राइट्स खरीदता है, अनवांटेड लोगों को एक्सप्लॉइट करता है डिजिटली हर चीज, क्या प्रोड्यूसर है वो? ये प्रोड्यूसर ही नहीं है, ये जितने बैठे हुए इन्हें मालूम ही नहीं है, ये तो सब धंधा खोल के बैठे हुए हैं, इनको लूटना है प्रोड्यूसरों को। 136 प्रोड्यूसरों का भोजपुरी के विजय जी गवाह है, एक आदमी फ्रॉड करके गया, जब ये एसोसिएशन में केस लेके आए इनके जाने के बाद, टीपी अग्रवाल ये बोलता है छोड़ो यार कहाँ टाइम पास कर रहे हो, ये जवाब है। अब इलेक्शन आ गया तो भोजपुरी वाले मेरे भाई हैं। 82 से 82 में मेरे फादर ने फर्स्ट फिल्म बनाई थी जो गोल्डन जुबली थी ओरिजिनल में ढोला मारू, तब से लेके अभी तक मैंने 37 फिल्म पापा को मिलके और मेरी पर्सनल, तो ये 37 फिल्म का एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने, तो मुझे एक हर चीज़ ये पता है कि प्रोड्यूसर की दिक्कत क्या होती है, पिक्चर कैसे बनाई जाती है, रिलीज कैसे की जाती है, तो हमको इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है, इसलिए हम लोग ने आज़ाद इंपा ग्रुप खड़ा किया है कि बहुत, आज मैं खुद टीपी अग्रवाल के ग्रुप में था, तो जब भी हमारी मीटिंग होती थी तो मैं बोलता था कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, हाँ करते करते बातें होती थी, जैसे मैंने लास्ट इलेक्शन में मैं खड़ा था तो मैंने बोला था कि भाई मैं जीतूंगा तो मैं गुजरात में इंपा की ऑफिस खोलूंगा, मैंने खुलवाई, आज अहमदाबाद में इंपा की ऑफिस है, आज फर्स्ट ब्रांच ऑफिस इंपा की अहमदाबाद में खुली है और मैंने खुलवाई, क्योंकि मैंने अपने गुजराती वोटर लोग को कमिट किया था कि अगर मैं जीतूंगा तो ये ऑफिस खुलेगी, और मैंने वो करवाया और फोर्स करके करवाया, तो आज इसलिए सब गुजराती लोग को पता है कि ये बंदा जो बोलता है वो करता है, वो उसका ट्रस्ट है और मैं उसका ट्रस्ट टूटने नहीं दूंगा, अभी भी उनकी जो भी तकलीफ है हम सब मिलके उनका सॉल्यूशन लाएंगे, यही हमारा मकसद है आजाद इंपा ग्रुप का। राइट सर, जैसे आपने कहा कि अहमदाबाद में सेंसर इंपा का ऑफिस खुल चुका है, तो आपको लगता है कि सब जगह पे खुलना चाहिए, जैसे सर बता रहे थे कि उनको सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे आना, 100% लखनऊ में भी खुलना चाहिए, क्योंकि लखनऊ में खुलना इसलिए जरूरी है कि जितना गुजरात का योगदान है उतना ही लखनऊ का, भोजपुरी, बिहार का योगदान है, तो उन लोगों को वहाँ से, गुजरात तो नज़दीक है बम्बई में, बम्बई से, मगर वहाँ से उन लोगों को यहाँ पे आना से, ये सेंसर का जो विजय जी ने क्वेश्चन उठाया वो भी उनका जरूरी है कि भाई सेंसर के लिए यहाँ पे कोई, मतलब सेंसर में तो यहाँ इतनी गंदी हालत है ना, मतलब 101% करप्शन है, 101% करप्शन है, मैं खुद रीजनल पिक्चर में ये सीन काटो यहाँ पे पेट दिखता है, अरे पूरा बदन दिखता है, वहाँ पे आप खुद नहीं बोलते, और रीजनल में
उसके लिए आप तीन तीन बार उसको रिवाइज में डालते हो, क्या बात होगी? अच्छा कोई बंदा, अच्छा तो आप 32,000 भरवाते हो एक बार, फिर आप उसको रिवाइज में डलवा दोगे, वापस 32 भरो, तीसरी बार भरो, अच्छा तीसरी बार भी वापस ये सर्टिफिकेट दोगे, उसके बाद बोलोगे कि अभी दिल्ली आपको जाना पड़ेगा। मतलब आदमी 1,00,000 रुपया खर्च करने के बाद वापस, अच्छा मेरी मेरी एक दोस्त की पिक्चर में ये एक्सपीरियंस हुआ कि पहली बार ये सर्टिफिकेट दिया गया विदाउट कट, हमने रिवाइज में डाला, गुजराती पिक्चर थी, तो दूसरी बार रिवाइज में ये सर्टिफिकेट दिया विद कट, तीन कट के साथ, तीसरी बार, ये अभी 6 महीने पहले की बात है, तीसरी बार वापस फीस भरी, तीसरी बार उस पिक्चर में 6 कट के साथ ये सर्टिफिकेट दिया गया। अच्छा तो पहली बार ही क्या गलत था? तो दो बार भरने की जरूरत ही क्या थी? बोला अभी आप दिल्ली जाओ, और उसमें दिवाली पे जो मूवी रिलीज थी तो वो गोल्डन पीरियड भी आपका चला गया कि जो दिवाली पे पिक्चर रिलीज करनी थी। तो इसके लिए हमने इम्पा में कितनी बार क्वेश्चन उठाए कि आप सेंसर के लिए, वहाँ काम एक सबसे बढ़िया होता है इम्पा की ऑफिस में, जब भी मीटिंग होती है, हाँ जैसे सब लोग बैठते हैं, दो चार बातें करते हैं, हाँ क्या है, चलो भाई टाइटल मीटिंग है, चलो सिग्नेचर मारो, ये करो, सब सिग्नेचर मारते हैं, उसके बाद 10वां, अच्छा और कुछ काम है, DPG बोलते हैं, अच्छा चलो ओके चलो, हाँ सैंडविच वगैरह वेफर्स वगैरह नाश्ता करके बस, हाँ हाथ पैंट पे घिस के निकल जाने का, ये काम है बस, प्रैक्टिकली दारू बार पिलाते हैं, इम्पा की ऑफिस में नहीं पिलाते, वो सही बोल रहा हूँ, दारू बार पिलाते, मगर ये प्रैक्टिकली काम कुछ नहीं करते, बातें करते। और हम लोगों ने जो बोला था, मैं तो अभी 3 साल से ही खड़ा, लास्ट मतलब इलेक्शन में पहली बार, तो हमने पहली बार जो बोला था कि ये करूँगा तो करूँगा, मैंने तो पद्मावती रिलीज नहीं हुई तो मैंने ये भी क्वेश्चन उठाया था इम्पा में, ये राजू भट्ट को बोल के कि भाई आप एक लेटर लिखवाए इम्पा की ऑफिस से कि 3 स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पद्मावती रिलीज नहीं हुई थी, तो वहाँ की CM ने मना कर दिया था कि भाई हम ये पिक्चर को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो मैंने बोला एक लेटर लिखो कि जो CM किसी प्रोड्यूसर को प्रोटेक्शन ना दे सके उसकी फिल्म को, ये तो संजय लीला भंसाली का अगर कोई छोटा प्रोड्यूसर होता तो मर जाता, तो अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते ना, तो आपको इलेक्शन लड़ने का भी राइट नहीं है। आपके इलेक्शन में कितना भी दंगा फंसा दो, आप इलेक्शन लड़वाते हो ना, तो किसी प्रोड्यूसर की पिक्चर को बैन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और जिसमें भी कोई वाहियातपना नहीं है, एक अच्छी फिल्म बनाई उसने, जिसने भी देखी सबने अच्छा ही बोला उसके लिए, बुरा तो किसी ने नहीं बोला, उसको भी सेंसर ने लटका के सत्यानाश कर दिया था, आधा बिजनेस कर दिया उस फिल्म का, आधा जो उसका बिजनेस होना चाहिए था उसको आधा कर दिया लटका के। तरीका नहीं है, एक प्रॉब्लम सेंसर की नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है डिजिटल। अभी वो सिंटा वाले इम्पा की सुनने को तैयार नहीं है, उन्होंने लेटर लिख दिया कि हमारा रूल हमारा है, हम जो कहेंगे आपको वो मानना पड़ेगा। एक्टर को 5-स्टार रेस्टोरेंट से ही सैंडविच चाहिए, एक्टर को इतने बजे आएंगे इतने बजे छोड़ेंगे, एक्टर के स्टाफ को इतना ही देंगे, एक्टर को AC वैनिटी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, बाथरूम साफ़ होना चाहिए। आपको 10,000 एक्टर दिखाता हूँ जो मीरा रोड भाईंदर में रहते हैं, जिनके घर में बाथरूम भी नहीं है, लेकिन वो जब सेट पे आते हैं ना सर, उनको AC चाहिए और उनकी वैनिटी रूम में बाथरूम क्लीन होना चाहिए, रूम फ्रेशनर लगा हुआ नहीं है, बदबू आ रही है, ये एटीट्यूड है एक्टरों का। और सिंटा बोलती है कि हमें जो हॉलीवुड का सिस्टम है वो रूल अप्लाई करना है। सलमान खान तो वैसे भी वो रूल ले रहे हैं, आप लगाइए या मत लगाइए, उनके रूल तो एप्लीकेबल है। आप इन जनरल प्रोड्यूसर को क्यों मारना चाहते हैं? उसका कारण यही है कि उनकी एसोसिएशन में जो आदमी है, जो खड़ा है, जो अध्यक्ष है, उसको पावर के साथ में वो खड़ा है, वो अपने बंदों के लिए लड़ रहा है। हमारा जो अध्यक्ष है वो अपने लिए लड़ रहा है कि मैं अपने लिए क्या स्टैंड कर सकता हूँ, बस दूसरे जाएं, उसको कोई लेन देन नहीं। और प्रोड्यूसर ये जब समझ जाएगा खुद ब खुद चेंज लाएगा, कहने की जरूरत नहीं है कि आज आपके लिए अगर कोई समझता ही नहीं है, आप उसको ही वोट डालोगे दारू पी के या कुछ भी डाल के, डाल लो कितने दिन डाल लोगे, बाद में पछताना तो है ही ना। जो किया उन्होंने स्ट्राइक की थी और उसके बाद 1 महीना उनकी पिक्चर रिलीज की, किसी की भी पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी और उन्होंने रेट कम करवाए। इधर ये स्टैंड इम्पा को लेना चाहिए कि प्रोड्यूसरों को बुला के पिक्चर रिलीज नहीं हो गई या जो भी हो, तो उससे वो झुक सकते थे, वो झुके नहीं। दूसरी बात, ये हमारी जो पूरी पैनल है ना, ये सब रेगुलर प्रोड्यूसर हैं, किसी की पिक्चर 3 महीने पहले रिलीज हुई, किसी की 1 साल में,
ये लोग को कंटिन्यूस फिल्म बनाने वाले हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो 10 साल से बैठा है एक पिक्चर नहीं बन रहा है, ये सब ऐसे है। यूनिटी चाहिए बेसिकली, यूनिटी प्रोडक्शन सेक्टर की यूनिटी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो एफर्ट करें, दूसरे लोगों को साथ में मिलाएं और आगे बढ़ें। ये नहीं होता कि आप अपनी एसोसिएशन में, हम अपनी एसोसिएशन में, साउथ में यूनिटी बहुत है। जय तंत्र वाला बोल दीजिए एक लास्ट, साउथ में यूनिटी बहुत है। हाँ नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, हमारी ये कोशिश रहेगी और मांग है इस बार और हम लोग का मैनिफेस्टो में यह है कि जो प्रोड्यूसर्स 2-3 फिल्म बनाने के बाद, बहुत प्रोड्यूसर दिवालिया भी हो जाते हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है, तो हम उनको आर्थिक सहायता दें, कम से कम 10 लाख 20 लाख जो एक कमिटी तय करे, उनको अंतिम विदाई। अब उनको नहीं फिल्म बनाना है तो उनको ये विदाई समारोह में कि ये 10 लाख लो और अपना जीवन यापन करो, अगर वो नहीं बनाता है आगे तो कम से कम 2-3 फिल्म जो बनाया है उसके लिए है। ये मेरी कोशिश है कि ये नियम होना चाहिए, रीजनल हो या कोई भी, कोई भी प्रोड्यूसर जो उसकी पिक्चर 4 अच्छी बनाता है, 2 नहीं बनाता है। हमारे भोजपुरी की बिगेस्ट सुपरहिट फिल्म बनाने वाला ससुरा बड़ा पैसा वाला का प्रोड्यूसर बहुत अफसोस, नायर हॉस्पिटल में मरा, दवाई के पैसा नहीं था उसके पास, सुपरहिट उसकी सुपरहिट। अभी उसकी 3 फिल्मों का राइट, ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू आई लव यू, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, उसने 3 फिल्मों का निगेटिव उस समय ब्याज पर 10 लाख उसने किसी से लिए थे। आज उसने केस लड़के और राइट तीनों फिल्मों का लेके बेच दिया, उसके बीवी बच्चे का फ्लैट जो गिरवी जो फाइनेंसर था ले लिया और उसकी बीवी बच्चे को यहाँ से गांव भागना पड़ा। ये स्थिति है एक प्रोड्यूसर की होती है जब फिल्में फ्लॉप हो जाती है तो कम से कम उसके बच्चों को अगर कुछ हो जाए तो हम 10 लाख 20 लाख आज 10 लाख का क्या क्या वैल्यू है, लेकिन कम से कम चाहते हैं उसको दे दें, कम उसको पढ़ाई लिखाई जीवन यापन कुछ तो उसको रिलीफ मिले। हम इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस कम से कम 20 लाख का होना चाहिए, लाख रुपया क्या है आज के डेट में लाख रुपया। और ये दर्द प्रोड्यूसर ही समझ सकता है क्योंकि एक खुद विजय जी प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, वहाँ पे 70% को प्रोड्यूसर ही नहीं है तो प्रोड्यूसर का दर्द क्या समझेंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, आज लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये सब आम प्रोड्यूसर के हाथ में ये पावर होता है, आम पब्लिक के पावर होते हैं, चाहे जिसको चाहे नेता और अभिनेता पब्लिक बनाती है, यहाँ प्रोड्यूसर के कुर्सी पर प्रोड्यूसर बनाएगा। क्योंकि आज की सरकार का जो भी राजा होता है वो वोट पहले बैलेट से होता था, बैलेट पेपर से, आज EVM से बटन दबाइए अपना राजा पैदा कीजिए सरकार चलाने। आज कोई किसी रानी, पहले होता था कि किसी रानी के पेट से पैदा होता था वो बेटा राजा बनता था, अब वो समय गया, अब EVM मशीन से बटन दबता है और उससे राजा पैदा होता है। अगर रानी के बेटे से राजा का बनना होता तो आज इस देश में टाटा, अंबानी, बिरला प्रधानमंत्री होता, एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता। ये पावर है EVM मशीन में। इसलिए सारे प्रोड्यूसरों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस सत्ता को बदलिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सत्ता और रोटी हमेशा पलटते रहना चाहिए, रोटी नहीं पलटोगे तो जल जाएगी, सत्ता नहीं पलटोगे तो अहंकारी हो जाएगी, इसलिए उसको बदलते रहिए। मुझे अपील है, सारे प्रोड्यूसरों से अपील कर रहा हूँ कि इस व्यवस्था को बदलिए और हमें मौका दीजिए, अगर हम काम ना करें फिर हमें भी बदल देना, हम नहीं आएंगे अगले चुनाव में अगर काम नहीं कर सके तो। ये मेरी